what will be the unit digit in 25 power 102 plus 25 power 127. और इसको हम लोग को सेकंड में बनाना है, कैसे बनाएंगे चल समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 102 को 4 से डिवाइड करेंगे, इसका जो पावर है इसको 102 को 4 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इस यूनिट डिजिट का पावर बनाएंगे। तो तुम लोग बताओ कि 102 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, बोलो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा 2। और यहाँ 5 का यूनिट डिजिट चाहिए मुझे, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे क्या? Yes, और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। और इसके पहले कोई ना कोई नंबर होगा ना? Yes, sir. No, sir. No, sir. प्लस का साइन है तो प्लस का साइन yes, sir. अब 127 को भी 4 से डिवाइड करो, yes, sir. रिमाइंडर आएगा 3। और 3 रिमाइंडर 5 यूनिट का ना चाहिए, yes, sir. 5 यूनिट का पावर 3 कितना होगा? 125। यहाँ पे लिख दे क्या? Yes, sir. अब इस दोनों को क्या करें? Yes. अगर क्वेश्चन में प्लस दिया रहेगा तो प्लस करेंगे और क्वेश्चन में माइनस दिया रहेगा तो माइनस। कोई दिक्कत है? नो सर। अब यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, 5 और 5 क्या होता है? 10 होता है। इसके बाद 2 और 2 और इसका एक कैरी 5। तो हम इसके बाद का करेंगे ही नहीं ना, क्योंकि हमको आंसर क्या चाहिए? यूनिट डिजिट। तो तुम्हारा आंसर ऑलरेडी क्या आ चुका? 0। समझ में आया क्या? यस सर।